हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमेश सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम योर कॉलेज। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। टुडे इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम विलयनों के और संघ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। अणुसंघ गुणधर्म जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसी भी विलयन के गुणधर्म की बात करें तो विलयन कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, विलयन खट्टा हो सकता है, विलयन मीठा हो सकता है, विलयन अति सक्रिय हो सकता है, विलयन निष्क्रिय हो सकता है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों की बात नहीं करनी है, हमें विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म की बात करनी है। तो अणुसंघ गुणधर्म क्या होते हैं इसे देखते हैं और समझते हैं। किसी भी विलयन के का वह गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, उसे ही हम विलयन का अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। एक बार और देखते हैं, विलयनों के वे सभी गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय के कणों की प्रकृति पर, ऐसे गुणधर्मों को विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यह एक विलयन है और इस विलयन में विलेय के कुछ कण दिखाए गए हैं और से, तो अगर हम अणुसंघ की गुणधर्म की बात करें तो अणुसंघ के गुणधर्म में जो विलयन का गुण होगा वह सिर्फ इन कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। अगर कणों की संख्या अधिक है तो उस अणुसंघ के गुणधर्म का मान अधिक होगा, और कणों की संख्या अगर कम होती है तो वहाँ पे अणुसंघ के गुणधर्म का मान कम होगा। जैसे यहाँ पर दो विलयन अगर आप लेते हैं तो इन दोनों विलयनों में आप देखेंगे कि यहाँ पर विलेय के कणों की संख्या कम दिखाई दे रही है। ये गोल गोल से जो दिखाए गए हैं वो विलेय हैं, और डैश करके जो दिखाया गया है वो विलायक के कण सपोज कर लिया है। तो यहाँ पे विलेय के कणों की संख्या कम है और यहाँ पे विलेय के कणों की संख्या अधिक है। यानी कि अब इनके अणुसंघ के गुणधर्म की बात करें तो इनके जो भी अणुसंघ के गुणधर्म होंगे वो निम्न होंगे, वो कम होंगे, और इसके अणुसंघ के गुणधर्म का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पराशर दाब की बात करें तो इस विलयन का पराशर दाब अधिक होगा और इस विलयन का पराशर दाब इस विलयन का पराशर दाब कम होगा और इस विलयन का पराशर दाब अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विलेय के कणों की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार से आप विलयनों के अणुसंघ के गुणधर्म के बारे में समझ गए होंगे कि विलयन के अणुसंघ के गुणधर्म कौन होते हैं। तो विलयन के वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, न कि विलेय के कणों की प्रकृति पर, कि विलेय का कण क्या है, अम्ल है या फिर अणु है या फिर आयंस हैं, इस पर निर्भर नहीं करता। विलेय के कण कुछ भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, परमाणु नहीं हो सकते, परमाणु बहुत छोटे हो जाएंगे क्योंकि, तो यहाँ पे आयंस हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं। इनकी साइज क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है अथवा छोटी हो सकती है, लेकिन इस प्रकृति पर ये अणुसंघ गुणधर्म निर्भर नहीं करते कि वो कण बड़े हैं, आयंस हैं, अणु हैं या क्या है, या उन कणों के गुणधर्म क्या हैं। बस यहाँ पे हमें देखना है कि कणों की संख्या इस विलयन में कितनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि अणुसंघ गुणधर्म को आप लोग समझ गए होंगे। अब विलयनों के अणुसंघ गुणधर्म कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जो पराशर दाब होता है वह भी किसी विलयन का अणुसंघ गुणधर्म होता है। दूसरा अणुसंघ गुणधर्म है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन,
और चौथा जो हमें इस चैप्टर में जिनको पढ़ना है, चौथा है हिमांक में कौन मन। तो ये चार मौसम के गुरुधर्म विलियन के हैं जिन्हें हमें इस चैप्टर में